नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा है कि उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि यदि चीन की तरफ से उनके ऊपर हमला हुआ तो अमेरिका और दूसरे क्षेत्रीय लोकतांत्रिक देश उनकी मदद के लिए साथ आएंगे। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नियामक ने राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को देखते हुए चाइना टेलीकॉम लिमिटेड की एक इकाई को अमेरिकी बाजार से निष्कासित कर दिया है। कल से दिल्ली से बिहार के लिए चलेगी 6 स्पेशल ट्रेनें। ये ट्रेनें दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से बिहार के अलग अलग स्टेशनों के लिए चलेगी। पंजाब के मोंगा नगर निगम हाउस की आज बैठक होगी जिसमें राजेंद्रा एस्टेट व NOC के मुद्दे पर विपक्ष कांग्रेस को घेरेगा। यूपी के गोरखपुर विश्वविद्यालय में आज ऐसे विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं जो अंतिम कट ऑफ लिस्ट से अच्छी रैंक पाए हैं और काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने वेबसाइट DDUGU.ac.in पर अंतिम कट ऑफ लिस्ट जारी किया है। पंजाब में BSF का दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने के विरोध में शिरोमणि अकाली दल अटारी बॉर्डर से लेकर अमृतसर के गोल्डन टेंपल तक एक विशाल रोस मार्च निकालेगा। राजस्थान के अलवर और धौलपुर जिले में 3 चरणों में संपन्न हुए पंचायत चुनाव का आज परिणाम आएगा। इसके बाद 30 अक्टूबर को जिला प्रमुख और प्रधान पद के लिए चुनाव होंगे। यूपी के गाजीपुर में BLO सुपरवाइजर का परीक्षण आज शहर के बंसी बाजार स्थित रॉयल प्लेस में शुरू होगा। परीक्षण जिला अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से प्रदान किया जाएगा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को दीपावली पर 30 दिनों का बोनस देने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद आज बहराइच में प्रदेश सरकार की ओर से मानदेय में वृद्धि किए जाने से खुश होकर रोजगार सेवक आज सरकार का आभार जताएंगे, जहां कार्यक्रम में विधायक सुभाष त्रिपाठी को ग्राम सेवक सम्मान देंगे। आज आगरा के कासगंज में गरीब सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है जिसमें सैकड़ों वर वधु हिस्सा लेंगे। बिहार के बिहार शरीफ में कस्तूरबा की छात्राओं को आज गर्म कपड़े वितरित किए जाएंगे, जहां हर छात्रा पर 1100 रुपए खर्च किए जाएंगे। यूपी के कानपुर में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में आज पहली बार दीपावली मेरा संवर्तिका मेला का आयोजन किया जाएगा। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सत्यदेव पचौरी, विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी विशाख और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक करेंगे। बिहार में छठ महापर्व के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे की ओर से पटना बरौनी दरभंगा से दिल्ली मुंबई और पुणे के लिए 4 जोड़ी छठ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा है कि स्कूल खुलने पर किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही पढ़ाई ब्लेंडेड मोड में होगा, यानी कि फिजिकल और ऑनलाइन दोनों। पंजाब में 7 नवंबर को शाम 7 बजे के बाद पेट्रोल पंप नहीं खुलेंगे। पंजाब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह दोआवा ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर उन्होंने ये फैसला लिया है। हरियाणा की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार ने 7 साल की उपलब्धियों के साथ भविष्य का रोड मैप तैयार किया है। भाजपा ने अगले साल 31 मार्च तक 25,000 सरकारी नौकरियां और 5,00,000 प्राइवेट नौकरी तथा 1,00,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय बहुगुणा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और कहा कि साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए विधायकों के मसले पर चर्चा हुई। झारखंड में रांची की महापौर आशा लाकरा ने छठ महापर्व को लेकर छठ घाटों की सफाई का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टकराव पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। साय ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसे भुला दिया। MP के इंदौर में 3 दिनों में मिले 25 कोरोना के मरीज। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने दीपावली से पहले आम जनता से अपील की कि वह कोरोना को हल्के में ना लें।
हिमाचल प्रदेश में 30 अक्टूबर को मंडी लोकसभा सीट के साथ साथ फतेहपुर अर्की व जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट के लिए भी मतदान होगा। वहीं 2 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से गाजीपुर जा रही चलती रेलगाड़ी के चक्के में आग लग गई, जहां रेलवे अधिकारी की सूझबूझ से कई यात्रियों की जान बचाई गई और समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया। बंगाल में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि भारतीय राजनीति में दशकों तक ताकतवर बनी रहेगी भाजपा, राहुल गांधी गलतफहमी में जी रहे हैं। उड़ीसा के झरसुगुड़ा में NSS के बालिका विभाग द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई की गई, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए सफाई के प्रति लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। NCB अधिकारी समीर वानखरे को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी से पहले देना होगा 3 दिन का नोटिस। महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी ने गुजरात सरकार की अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम पुनर्विकास परियोजना को चुनौती देते हुए गुजरात हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका पर दीपावली की छुट्टी के बाद सुनवाई हो सकती है। राजस्थान के CM अशोक गहलोत 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बाद सभी मंत्रियों से इस्तीफे लेंगे और फिर से मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया जाएगा। सर्दी में त्वचा के सूखेपन को दूर करने के लिए केले का पैक लगाएं। केले में मौजूद न्यूट्रिशन चेहरे को अंदर से मॉइस्चराइज कर ड्राइनेस की समस्या को दूर करने में मदद करता है। गुजरात पुलिस के लोक रक्षक रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा लोक रक्षक और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल ojas.gujarat.gov.in पर 9 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने हितों के टकराव की स्थिति से बचने के लिए ATK मोहन बगान के निदेशक पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ और विक्की कौशल इस साल के अंत में 7 फेरे ले सकते हैं। कटरीना और विक्की राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से आगे सवाई माधोपुर के एक रिजॉर्ट 6 सेंस फोर्ड बरवारा में शादी के बंधन में बंधेंगे। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।